देखिए चिरांद पना बंद कीजिए, हमने कौन सी आपकी गाय खोल ली? गाय खोली नहीं है आपने, बल्कि आपने एक खूबसूरत सी सफेद लंबी पूछ वाली गाय फंसा रखी है। अरे हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही कि हमने कौन सी गाय फंसा ली, लेकिन इन्होंने जरूर एक अंग्रेजी हिरनी फंसा रखी है। हमको दिखाइए ना भरभूति जी, हम हिरनी को घास खिलाएंगे, वो भी अंग्रेजी हिरनी। भाभी जी दिख जाएगी तो बुला लूंगा मैं आपको, आप घास खिलाने आ जाइएगा, तब तक आप वो घास एक गधे को खिलाइए। शादी के कुछ साल बाद ही जहाँ पत्नियों का प्यार पति के लिए बढ़ जाता है, वही ज्यादातर पतियों का प्यार पत्नियों के लिए कम हो जाता है। क्या आप भी उन बदनसीब पत्नियों में से एक हैं? नहीं नहीं, मेरा विभू तो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। नॉट पॉसिबल। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके पति के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, तो पति की इन हरकतों पे गौर कीजिए। अच्छा जी, अगर आप पति को आवाज़ देती हैं और पति आपकी एक ही आवाज़ में तुरंत उत्तर देता है, तो मतलब वो आपके लिए कंसर्न है। अगर पति आपके दो या तीन बार आवाज़ देने पर भी उत्तर नहीं देता, तो समझ जाइए कि वो आपको उतना प्यार नहीं करता। बिभो, शायद मेरी आवाज थोड़ी कम थी। विभो, विभो, ओह माय गॉड, इसका मतलब विभू के दिल में भी मेरे लिए प्यार कम हो गया है। विभू, जल्दी आओ यहाँ पर। या बेबी, व्हाई यू स्क्रीमिंग, या चिल्ला क्यों रही इतना? बहुत कुछ हो गया। बताओगी क्या हुआ? यही कि तुम सारे हस्बैंड्स की तरह चेंज हो गए हो। भाई बदलाव तो नेचर का रूल है, आदमी हर पल बदलता रहता है। अब देखो तुम जवान हो, आज तुम मेहंदी अपने हाथों में लगाती हो, 5-7, 10-12-15 साल बाद जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तो ये मेहंदी तुम अपने बालों में लगाओ। दिस इज चेंज, राइट? अरे विभू, मैं उस चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, शट अप। तो किस चेंज की बात कर रही हो, टेल मी। अरे मैं पति पत्नी के रिलेशनशिप के मुतालिक बात कर रही हूँ, और तुम चेंज हो गए हो। पता है इस मैगजीन में क्या लिखा है? देखो, इस मैगजीन में लिखा है कि ये वही मैगजीन है ना, मेरी चंट सहेली। हाँ ये वही मैगजीन है। और पता है इस मैगजीन में क्या लिखा है? ये लिखा है कि शादी के बाद पत्नियों का पति के लिए प्यार बढ़ जाता है और पतियों का प्यार पत्नियों के लिए कम हो जाता है। अटर नॉनसेंस, बकवास है ये सब, बकवास। इस मैगजीन की एडिटर कौन है? वही मिसेस कलावती शर्मा ना। कलावती शर्मा दुनिया की सबसे चंड और हर्राफा औरत। उनकी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फड्डे हैं। उनके पति बहुरी लाल शर्मा उनसे एकदम नहीं बनती उनकी, एक नंबर के छिछोरे हैं वो भी। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये अपनी मैगजीन में छापती हैं, और आप जैसी औरतें पढ़ती हैं और मिसगाइड होती हैं, भड़कती हैं। अच्छा आप वो सब छोड़ो, मुझे तुम बताओ कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। झूठ। अच्छा तुम मेरा प्यार देखना चाहते हो? दिखाओ। मेरा प्यार आंधी की तरह आएगा और तुम्हें तूफान की तरह उड़ा के ले जाएगा। तो उड़ा के ले जाओ। ये भभूति जी जब देखो भाभी जी से चौक की तरह चिपके रहते हैं, और ये देखकर साला हमारे दिल पर छुरियां चल जाती है। चिपकू कहीं के, हम जितना भाभी जी से प्यार करते हैं उसका तो ये 1/4 भी प्यार नहीं करते होंगे। अभी इनको अलग करता हूं।
भाभी जी घर पर हैं। क्या बदतमीजी, ये क्या बदतमीजी आपकी, damn it। हमने क्या बदतमीजी की है? अगर पड़ोसियों का यहाँ आना बदतमीजी है तो माफ कीजिएगा, हमसे ज्यादा बदतमीजी तो आप करते हैं। हम आपके घर बेवक्त नहीं जाते हैं। अच्छा जी, ये बेवक्त क्या होता है, जरा प्रकाश डालेंगे? बेवक्त उसे कहते हैं जब पति पत्नी घर में अकेले हो और रोमांस कर रहे हो, तब आप जैसे कोई मोरन बीच में टपक जाए उसे कहते हैं बेवक्त आना। अगर हम ये कहें कि आप बेवक्त रोमांस कर रहे थे तो? एक्सक्यूज मी, रोमांस का कोई वक्त नहीं होता, समझे आप? रोमांस इज एज इज लाइक हार्मोनल, हार्मोन्स गो, फॉरगेट इट। तिवारी जी, आप कम से कम दरवाजा खटखटा के तो आ जाते। एग्जैक्टली माफ कीजिएगा भाभी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझा के रोमांस करते हैं। सारा मूड खराब कर दिया, खुद तो अपने खेत में हल चलता नहीं है तो हमारे खेत में आ जाते हैं कौवे उड़ाने के लिए। अरे तो आपने कौन सी खरीफ की फसलें उगा रखी हैं अपने खेत में? अरे आप लोग क्यों बेफिजूल में बहस कर रहे हैं? विभू तुम अंदर चलो, जस्ट होल्ड योर इमोशंस। आई एम होल्डिंग। तिवारी जी, आप जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाइएगा। चलो डार्लिंग। इस आदमी के रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे हैं। इसके रोमांस के कीड़ों पर ना हमने डीडीटी पाउडर छिड़क दिया तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं चला। क्या हुआ भैया, आपके अंदर से बड़े जलने की बू आ रही है कुछ? सही कह रहे सक्सेना जी, अरे दिल जल रहा, हमारा दिल। किसने जला दिया आपका दिल? अरे रहने दीजिए ना, बात निकलेगी तो फिर कानपुर तलक जाएगी। I like it. अरे आपकी तो पूरी बॉडी करंट मार रही है। I like it. शौक खा खा के आपकी तो पूरी बॉडी ट्रांसफार्मर हो गई है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे शौक खाने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर करंट क्यों मार रहा है? ये भैया एक्चुअली ना इस चिप की वजह से मार रहा हूँ। ये कैसी चिप है भैया? ये चिप ना मेंटल हॉस्पिटल वालों ने खास तौर पे उन पागलों के लिए रिलीज की है जो टोटली गॉन केस हैं। अच्छा जी, तो क्या क्या खासियत है इस चिप की? भैया ये चिप ना अपने आप में एक पावर हाउस है ना, जैसे इसको जैसे शरीर से ऐसे टच किया ना, उसके बाद आपको जब भी कोई टच करता है ना तो उसको बड़े भयानक झटके लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। भभूति जी जैसे चीप आदमी को सबक सिखाने के लिए ये चिप बहुत कमाल की चीज है। सक्सेना जी, जी ये चिप आप हमें दे सकते हैं? अरे नहीं नहीं भैया। सवाल ही नहीं उठता, मैं डेली इसको किसी के अंदर घुसेड़ के करंट लेता हूँ, ये मेरा खाना है, आपको कैसे दे दूँ ना? अरे तो आपके शौक की पार्टी हम देंगे ना, पूरी नंगी तारों पर झूल जाइएगा, हर रोज करंट लीजिएगा, बिजली का बिल भी हम ही देंगे। और कुछ चाहिए? डन भैया, डन डन डन। वैसे ये बताइए ना कि आप इतने डेस्परेट क्यों हैं इस चिप के लिए? अरे यार आप करंट से मतलब रखिए ना, तारे क्यों गिन रहे हैं? लाइ दीजिए दीजिए। अच्छा भैया चलिए आप ये लीजिए। भभूति जी आपको बड़ा शौक है ना भाभी जी से चिपकने का, तो हम आपको आपके शौक का ऐसा शौक देंगे कि आप सिर्फ एक शौक बन के रह जाएंगे।
और फिर जब भाभी जी आपको छुएंगी तो उन्हें भी करंट लगेगा और आपको ऐसे ऐसे दुत्कारेंगी, ऐसे दुत्कारेंगी जैसे खजेले कुत्ते को देखकर लोग दूर भगाते। भाभी जी सोते हुए कितनी सौम्य लग रही है, लग रहा है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी अपने अस्तबल के सारे घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रही है। अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सारी भैंसों के साथ कुछ क्रियाओं में लिप्त है। क्या करें? अनु डार्लिंग, यू नीड टू डाइट, तुम बहुत भारी हो गए हो, और अपना अपर लिप थ्रेड कराओ, मुझे आ गई तुम्हारी। हंस क्यों रहे हो नींद में? तुम गुदगुदी क्यों कर रही हो? मैं क्या गुदगुदी कर रही हूँ? तुम गुदगुदी कर रही हो, नींद खराब कर दी। अरे ये घटिया परफ्यूम की इरिटेटिंग स्मेल कहाँ से आ रही है? मुझे भी आ रही है। और ये परफ्यूम तो सिर्फ तिवारी जी लगाते हैं। मतलब हमारी खुशबू भाभी जी पहचानती हैं? बेडरूम की खिड़की खुली रह गई होगी, वहीं से आ रही है। घटिया आदमी, घटिया परफ्यूम। भाभी जी ने नहीं छू पाएंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। गुड नाइट भाभी जी, गुड नाइट। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अरे भैया क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? अरे यार ये तो एक नंबर का शैतान बच्चा, कहां से आ गया ये? आज स्कूल नहीं गया क्या? पहली बात तो आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, और दूसरी बात अब हमें शैतान काहे बुला रहे हैं? अबे मैं बेटा मैं तुम्हें प्यार से शैतान बुला रहा हूँ, प्यार से, लविंगली। अच्छा तो फिर ठीक है, हम भी आपको आज से हैवान बुलाएंगे। एक नंबर का कमीना है, बिल्कुल अपने भैया पे गया है, सूरत पे भी और सीरत पे भी। अब उनके भाई है तो उनके ऊपर ही जाएंगे ना। बे क्यों दिमाग का मट्ठा कर रहा है बे? बेटा एक काम करो, आगे भाभी को बुला के लेके आओ। जा, भाई माँ घर पर नहीं है। झूठ बोल रहा है बे, झूठ बोल रहा है। अभी देख के आ रहे हैं, छत पे कपड़े सुखा रही है वो। हाँ भाभी माँ घर पर है लेकिन हम नहीं बुलाएंगे। तो क्यों नहीं बुलाएगा बे? क्योंकि आप भाभी माँ को बहुत पकाते हैं। अबे क्यों दिमाग का मट्ठा कर रहा है? देखे कनपटी के नीचे खींच के चाय बुला के ले गया। भरभूति जी काहे हमरे लड्डू को ऐसे डांट रहे, और जो हमरे लड्डू को डांटता है वो हमरे नजर में दुश्मन हो जाता है। अभी जी मैं कहां डांट रहा था, ये तो बड़ा स्वीट बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। ओ लड्डू का हुआ? विभूति भैया अब करंट क्यों मार रहे? कम ऑन, मैं कर
करंट, मैं करंट क्यों मारूंगा, मैं करंट मार रहा हूं, देखो ये देखो। सॉरी। क्या हुआ लड्डू? भाभी माँ आपकी कसम विभू तो भैया सच में करंट मार रहे। भरभूति जी आप करंट मार रहे हैं का? भाभी जी मैं करंट क्यों मारूंगा, मैं पागल क्या? स्पार्क है मुझ में, एज यू कैन सी स्पार्क बहुत है मुझ में, लेकिन मैं करंट क्यों मारूंगा भाभी जी? आप छू के देख लीजिए मुझे। हम आपको छुए का? हाँ हाँ छुए ना। कम कम ऑन भाभी जी छू लीजिए, इस बारे में छू भी लेंगे। एनीवे आप डर रही है जैसे कि मैं कोई नंगा अपना ये बिजली का तार हूं। कम ऑन छुए मुझे, कम ऑन कम ऑन। माना कि आप नंगे तार नहीं है लेकिन आप नंगे जरूर हैं। ये क्या बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। आप हमारी नाजुक बीवी को करंट देना चाहते थे हैं? पिछड़िए कमान कमान तिवारी जी कमान, मैं आपकी बीवी को करंट क्यों दूंगा यार? पिछले करंट वरंट कुछ नहीं है, छू के देख लीजिए आप, मुझे ये लीजिए। आपको सारे अरे हमारी बीवी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो करंट मार रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं करंट क्यों मारूंगा आपकी बीवी को? लड्डू अंगूरी भागो, अरे भागो, चलो भागो, भागो। चिप ने अपना काम शुरू कर दिया है, अब आएगा असली मजा। अब भभूति जी भाभी जी को छुएंगे तो भाभी जी को भी करंट लगेगा। यार मैं करंट मार रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं करंट मार रहा हूं। तिवारी जी को छू के देखता हूं, रेली में करंट मार रहा हूं। गॉड, मैं करंट मार रहा हूं यार, अजीब सिचुएशन है यार, करंट मार रहा हूं। पति को आजमाने का दूसरा तरीका, जब आप रोमांटिक होकर पति के सामने बाहें फैलाती हैं, अगर पति तुरंत आपकी बाहों में आकर समा जाए तो समझ लीजिए कि पति पत्नी के रिश्ते के वायर में अभी भी चाहत का करंट बाकी है। पर अगर पति आपकी बाहों में आने से ना नकुर करता है तो समझ लीजिए कि ये करंट कहीं और सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब वक्त आ गया है कि मैं ये चेक करूं कि मेरे और विभू का स्टेटस कैसा है। हाय बेबी। विभू तुम कहां चले गए थे? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। बाहर ही था, कहां जाऊंगा? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे एक पल भी दूर हो जाती हूँ तो मैं कितनी बेताब हो जाती हूँ मैं। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है? आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आओ ना विभू, मेरे गले लग जाओ। अरे अब एक्चुअली बेबी मेरा मूड नहीं है अभी, यू नो आई गॉट अ हेडेक, हेडेक, यू नो हेडेक है। आओ ना विभू, जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का करंट खत्म हो गया है। करंट खत्म नहीं हुआ है, करंट आ गया है। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारा मेरे लिए प्यार ही कम हो गया है। तुमने फिर वो मैगजीन पढ़ी ना, मेरी चंद सहेली? हाँ, और उसमें सब कुछ सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि अगर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो पत्नी के एक ही इशारे में उसकी बाहों में समा जाता है। रबिश। यार तुम भी बड़ी जिद्दी हो यार, बहुत जिद्दी हो तुम। कम ऑन इफ यू इंसिस्ट, या शो आई डोंट माइंड, कम। तुम करंट क्यों मार रहे थे? करंट कहाँ से आ गया? ये डार्लिंग चाहत का करंट है। कोई चाहत बात का करंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। कहाँ से आ गया तुम्हें ये करंट? आई डोंट नो यार, कहाँ से करंट आ गया ये इलेक्ट्रिक का मुझमें। मैं अभी तिवारी जी का गया था, वहां में लड्डू का करंट लग गया। आई डोंट नो कहाँ से आ गया ये करंट मुझमें यार। क्या 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 हुआ क्या? हल्की सी कोई चीख सी आई और उससे हमारी चीखें निकल गई। क्या हुआ?
क्या किया इन्होंने? अरे बहुत ही अजीब बात हुई, विभू करंट मार रहा है। मुझे मालूम है भाभी जी इनका करंट जाने वाला है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे सही कह रहे हैं भाभी, दरअसल ये बीमारी हमारे दादाजी को भी थी। फिर ठीक कैसे हुई? बस हमारी दादी जी ने त्याग किया, 25 साल तक दादाजी को 10 फीट दूर रखा अपने आप से, पास तक नहीं पटकने दिया। तो आपको भी इनके साथ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या है ना भाभी जी, ये जो सर्किट है ये बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से उसमें करंट फ्लो बढ़ जाता है और उसके जलने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? हम है ना भाभी जी। कुछ बका आपने? हमने कहा हम है ना भाभी जी को हौसला देने के लिए। गॉड, गॉड, ये क्या हो गया? क्या कर लिया विभू तुमने? प्यार जी। Oh, I'm sorry. मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझमें करंट है। I'm sorry. I'm sorry. तिवारी जी, दूर रहो। विभू ये क्या हो गया है तुमको? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं चलती फिरती नंगी तार हूं। प्लीज डोंट टच मी, दूर रहो। I'm sorry, baby. I'm sorry.